प्रेजेंट बाय डीएससी लाइव कवरेज। अरे घोड़ी से नीचे उतार दी और काल से राणा की फौज आई जाएगा तो तुम तुम्हारे वापस भी करी सको, तुम्हारा क्या भरोसा। सवई भोज बोलिया, रानी तुझे अभी मेरे पराक्रम मेरे ताकत के बारे में अंदाजा नहीं है, मेरी शक्ति के बारे में अंदाजा नहीं है कि मारा पास में कशी शक्ति है। रानी केवल अगी मूवी तो देखूं। सवाई भोज के पास में चंद्रवती तलवार थी, वो तलवार उठाई और भोज ने जब एक पखान को पत्थर तो 13.5 हाथ को ओका ऊपर मारी तो बाटा का 1/2 होएगा। बोलो सवाई भोज महाराज की। वही पत्थर का 1/2 होएगा। रानी भवानी ने विचार करियो, राम 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 राम, ये भोज तो बड़ा बलशाली है, इसके पास में जो तलवार है या तलवार अगर राणा जी की फौज में चल जावे तो ये सवाई भोज कभी हारेगा नहीं। रानी बोली मुंह तुम्हारा साथ में नहीं चालू। सवाई भोज बोलिया कि सवाई भोज या तो किसी कार्य को करता नहीं है और करता है तो फिर पीछे पग धरता नहीं है। तू सोचे नहीं रानी के धन वापस कर दूं, अब सपना छोड़ देना, ये भोज गुर्जर की आन बान शान का मामला है, मैं अब तुझे वापस जाने नहीं दूंगा। रानी बोली फिर वचन दो। कि वचन? हाँ, कसो वचन मांगे बोल। कि पहला आपका गुरुजी की सौगंध खाओ, जो मैं पूछूंगी वो, जो मैं मांगूंगी वो वचन निभाओगे। सवई भोज बोलिया बाचा ब्रह्म बाचा तीन लोग में काचा, अगर बाचा चुका तो उबा चुका। रानी केवा लगी के फिर सुनो, तीन बातों का विशेष ध्यान रखना, जो 23 भाई आया हो तब यहाँ 23 ही आया, सब भाई के मंजूर है के मंजूर है के या तलवार भारत में नहीं चला दूंगा, दूसरी तलवार से लड़ जो। काकी तलवार, ये चंद्रवती तलवार नहीं चलावा दूंगा। रही बात रानी यो भी भरोसा थो के ये बिना तलवार के भी 23 भाई एक साथ कहीं भारत में पड़ गया नहीं तो पाछे अच्छी अच्छी फौज ने काट देगा, क्योंकि ये हारने वाला नहीं है। तो रानी केबा लगी, दूसरी बात यह है कि राणा जी की फौज आवे तो एक एक भाई लड़ जो एक एक। अगर 23 भाई एक साथ लड़बा चल गया है नी तो फिर तीसरी बात मेरी आपको विशेष ध्यान में रखना कि कैसी के मुंह तुम्हारा माथा मांगू तो काटिन देना पड़ेगा। फिर तुम्हारा शीश मांगू तो तुम्हारे मारे काटिन देना पड़ेगा। बगड़ावत बोलिया मंजूर है रानी, हमें मंजूर है। रानी बोली एक भाई का मंजूर हो ऐसे कहीं सब ऊंचा हाथ करो, क्योंकि उन्हें तो सबे ले जाना था नहीं। सब में छोटो वालों भाई बोलियो के रानी तू ऊंचा हाथ की कहीं बात करे, हम तो कहीं ऊंचा हो जाओ तू कहते। हमारो केबा को मतलब यो है, हमारे में से अगर एक भाई ने हाँ कर ली तो हम 23 भाई शीश देने के लिए तैयार हैं। ये हमारा वचन है, वचन है, वचन है, क्योंकि हम वो गुर्जर हैं जिनके सिर पे महादेव का हाथ है, हम महादेव और रूपनाथ जी का चेला है। हे रानी हम पीछे पांव नहीं रख रखा। रानी का मन के संतुष्टि वही की कि अबे तो था कम्मा था लिया जो मामू बैकुंठपुरी में यो भी मारो बचा। मेरे बहन भाई वहां से चालबा लागा, नहीं हो जी बोलियो कि रानी आपने तो हमें वचन में बांध लिया, पर हम भी तो देखा कि आप राणा जी का घरे 6 महीना तक रुकिया,
हम भी आपके सत्य को देखना चाहते हैं कि आप कितनी सत्य रानी में रही, कितनी पवित्रता है आपके अंदर। रानी बोली, मारो भी सत्य देखो चाहो, क्यों नहीं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। छह कोस दूरा से राण का महल पे एक दीपक की तिल्ली दिख रही थी छोटी सी। रानी केवल लगी कि तुम मेरा सत्य देखना चाहो तो छह कोस दूरा से आप कहो तो उस दीपक को बुझाई दूं और आप कहो तो उस दीपक में दो बत्ती लगाई दूं। एक भाई बोलियो, देखा बुझाई दे तो हम जाना कि तू शक्ति है। एक भाई बोलियो, दीपक मत बुझाड़ो रे, थोड़ा दिन में अपने बुझाड़ देगा या परमेश्वरी। या अपने तो बुझा भाई है या। रानी ने ऐसे करके पल्लो साड़ी रोक करियो तो छह कोस दूरा को दीपक बुझाई दियो। सभी भोज ने विचार किया कि यही मेरे बेकुंड का वास करने का साधन है। आज मारे बेकुंठ ले जा, ये मेरे कुल को तारने वाली है, ये स्वयं जगदम्बा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वहां से लाइन सुबह सुबह आया, कदे सुबह सुबह, क्योंकि नाथुर सुबह सुबह ही आवे। और जैसे ही आया और काकड़ पे आया, पुरानी जगदम्बा भवानी ने कह दिया कि अबे मुंह सी बना माजना से तुम्हारा घर इंजन। क्यों के मारी आरती करे और काकड़ पे से बदन घरे ले जाए तो चालू, नहीं तो मने वापस छोड़िया। नयो जी बोलियो, परमेश्वरी थारी आरती की बात करे अभी हमारे दो तीन महीना की समझ ही नहीं थी, सब पूछ रही हो और उनके हमने नहीं मानी। अब उनके पाव खान रीस होगा, नहीं डेढ़ क्विंटल रीस आई जाएगा आरती की कांगत। सभी भोज बोलिया, नहीं सभी का मान सम्मान होना चाहिए। नया हम सब भाई का ब्याह होया, सब गुजरी के हमारे देवी देवता दोखाड़िया था, ये भी अगर मेरे साथ आई है तो अब यहाँ को भी मान सम्मान होना चाहिए। क्योंकि भोजे पतो थो कि यह शक्ति है और इनी शक्ति को पूजन पाठ करा और याने घर ले जावा जितो मेरी गोट का ये उद्धार करेगी। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि जगदम्बा की सेवा में मेरे से कोई त्रुटि ना हो जाए। भोजने रानी को कोई पत्नी नहीं मानी सी साहब हो, आप और हम सबकी नजर में है, वो तो जगदम्बा थी। मतवाड़ा करे गया और सवाई भोज को पता था, सवाई भोज को अपनी पत्नी साड़ू पे भरोसा था कि मेरी पत्नी साड़ू आज्ञा का पालन करेगी। भोज ने जाकर के कहा, साड़ू जी गई जने जावा दो, अबे रही होके राखला घर की आंग बांध सांड का। आप ध्यान रखो साड़ू गुजरी, और आप सब तेरानी जेठानी मलवानी रानी की आरती करवान पधारो। सब क्या कर दी कि मारी सब देवरानी जेठानी मना मत कर जो, चलो मेरे पति देव का आदेश है उसका हम पालन करेंगे। अब जो भोज रावत की गत है वह अब अपना पूरा परिवार की गत है। होगी नहीं गलती जो होगी, अब वो पे ध्यान नहीं देते हुए हम अशोकरा के उन्हीं भवानी की आरती करना। सब देरानी जेठानी आई, माता सतबंती साड़ू ने माँ जगदम्बा को आकर के रानी जयमती को तिलक निकाला, और तिलक निकालवा के बाद में आरती उतारी, और आरती उतार सब देरानी जेठानी पगे लागी रही। अब सब पगे लागी ली
पर नया जी की पत्नी नेतू जी जे की गोत्र थी नकाड़ी, वो रानी जयमती के पगे नहीं लागला। तो उस समय पर रानी जयमती को ध्यान आया कि ये सब देवरानी जेठानी मारे पगे लागी, पर यह एक गुजरी कौन है? दीप कुंवर थी सवाई भोज की बेटी। उनसे जाकर के पूछा कि यह लंबी गोरी पातली जाका नाक सोना की बाली, ए दीपा दे बता या केका घरवाली। दीप कुंवर ने कहा या लंबी गोरी पातली जाका नाक में सोना की बाली, या तो काका नया जी का घरवाली। के या पगे क्यों नहीं लागी? के या आज तक साडू जी का अलावा दूसरा कोई के पगे नहीं लागा। आइए हमारे ग्राम जरकी मंडल दरबार परिवार की ओर से भगवान देव नारायण गादीरा पूजन हो रहा है। एक बार इन सभी महानुभवों के लिए जोरदार तालियां, जय हो। साथ ही हमारे पंडा जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एक बार और पुनः जोरदार तालियां, जय हो। सम्मान हो तो तालियां बजते रहना चाहिए। कुलदेव नारायण भगवान ने की। माता साडू आरती करवा लागी और सच्चे भाव से आरती करी। वो झूमर झलके अंबे के गोरे गाल पे गोरे गाल पे
की जय हो। उस समय पर मेरे बहन भाई आदो शक्ति ने लेर वगड़ा वध घरे आया, वही राण में रानी का ढूंढा पड़ गया। सुबह देखे जनाना बाग का मेल में तो रानी सा नजर नहीं आ गया, कि रानी ने ढूंढो बादल मेल में, ढूंढो फूला वाली सेज, या ढूंढो जंगल का जहाड़, नहीं तो ढूंढो कुआ बावड़ी के माए, नहीं तो ढूंढ लो वाने वहां का पियर की बाट। कहां गई? नीमदेव के बाल लागो के दादा मुझे शंका है कि गोठा के बगड़ा बदले के गए हैं। राण का राजा केबा लगा कि मुझे भोज के ऊपर इतना भरोसा है कि मेरे सगे भाई नीमदेव तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, सवाई भोज मेरे साथ ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। बताओ ऐसा कभी नहीं होता। ये मानू कि वो चाहे गोट में चली गई पर भोज को मन नहीं बेगावाने ले जावा को, वो रिसानी बगानी मेल रोज का डल दे रिया नहीं, ये मेल गिरी रिया नहीं, अपन से मेल पूरा नहीं हुआ तो वो कहीं रिसानी बगानी चली गई होगा, बाकी मैं सवाई भोज के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता। कि यदि अजमेर का राजा भीषण देव के बुलाओ और गोठा में भेज दो। अजमेर के राजा भीषण देव को बुलवाया, गौट नगर में भेजा और या कही के भेजा कि हमारी रानी रिसानी बगानी था का घरे आ गई हो तो वापस कर दो। नया जी के पास सवाई भोज के पास जैसे ही राजा भीषण दे आया, ये बोलिया पधारो काका भीषण दे जी, आपको स्वागत है, आज तक आज आया हो आप, घना धन में पधारिया। राजा बोलिया कि मैं जरूर काम से आयो, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है, आप ये बताओ रानी लाया कि वाओ की मर्जी सही। नयो जी बोलियो लाया भी हार भी आया भी है। कि देख भाया थाने आछो नहीं करियो, या तो उनका पागड़ी बदल भाई मत बनता और भाई बनिया तो अब उन्हें की नार मिलानी होगी गलती। सबई बोझ बोलिया के महाराज हमारा वचन था पूरा हो गया, हमारी कोई इच्छा नहीं थी, हमारे साथ धोखा हुआ है, इसने तलवार के साथ में फेरा खाया है। तो उस समय पर देखो जो है सवाई भोज बोलिया के राणा जी कि ये रानी है और राजा भीषण देव ये जाना चाहे तो आप ले जाई सको, हमारो वचन पूरा हो गयो। राजा भीषण देव गया, अन्न पानी छोड़ दियो राणा ने और थाने करे पल पल में याद, पधारो रानी साराण में था के तीसरो मेल चुना दियो है। रानी केबा लागी के मैं भोज रावत की पत्नी हूं, मैं राण में नहीं आऊंगी और राजा साहब अब आप मेरे पास में मत आना, मैं नहीं जाऊंगी। सबई भोज भी विचार कर रही मन का मन में कि तू कहीं जाएगी, तू तो हमें बेकुंठी लेकर फिर जाएगी परमेश्वरी। तब जो है मेरे बहन भाई राजा भीषण दे राण में गया और कह दियो के बगड़ावत की कोई गलती नहीं है, भी रानी सही नहीं आ गया, के जब रानी नहीं आ तो वहां का घड़ा में हारे वो ले आओ अपना मने वही रे बदो। हार लेने के लिए राजा भीषण दे आया, नया जी के क्रोध आयो, राजा साहब काल आया था आज फंसा गया, गड़ी गड़ी कहीं आयो। राजा बोलिया रानी अटे रे बदो, गला को हार दे दो के लगन भी माने ले जाई के दिया था, गेना भी हमाए बनाया दिया था, जेठे रानी सा रेगा वटे ही रेगो गला को हार हार गई मां घरे खोटिन टांगे आ गई नहीं देवा। ये बात जैसी की जैसी मां राण के राजा से कही दी, राण के राजा के तन बदन में आग हो गई। दुर्जन सिंह राणा ने फौज सजाई, बिलवाड़ी का बिल बुलाया, मीना बुला लिया, चांदा रोहल का, कट पिलोदा का बुला लिया, तुम्हारे मारा का बुला लिया, जाट और जाथा रुंडी का बुला लिया, जाट जय हो, सावर का बुला लिया, दिया जोत सरदार और रून सुम देश का बुला लिया, बादशाह बुला लिया, दिल्ली का दीवान जय हो। राण के राजा ने 80 लाख फौज एकत्रित करी, कितनी 80 लाख, 60 लाख हिंदू था, 20 लाख मुस्लिम था,
बताओ उन्हीं जमाना लगभग 1150 वर्ष पुरानी बात है। अब जो देव नारायण भगवान का ये जो 15 फरवरी को छठ है, ये देव नारायण जन्म उत्सव 1112 जन्म उत्सव है, उससे पहले की बात है जो बगड़ावत समाप्त किया था। यानी देव नारायण भगवान का अवतार के 1112 साल हो गया, अब 13वो लगी जाएगा। तो महाराज फौज वहां से चली तो इनने विचार करियो कि पहला एक काम करो रे, चोरे मत मारो, चोर की माए मार दो। ये मतलब कि ई गुरु बाबा रूपनाथ की वजह से आगे बढ़िया था, पहला उन्हें बाबा जी समाप्त करा कने बाबा रूपनाथ गया। महाराज रूपाहेली पे पहुंचा, वहां जाकर के इन्होंने आक्रमण कर दिया। बाबा रूपनाथ ध्यान में मगन था, काय में मगन था, ध्यान में। पर गुरुजी के पास में जय विजय दो कुत्ता था, दो गाय का बाछड़ा था, बिचारी राणा की फौज में पड़िया नहीं तो फौज के 52 पग पाछे चाहिए थी, आगे आगे न बढ़वा दी। राणा जी ने विचार करियो कि अनी बाबा जी से लड़नो बुरी बात है,